अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अपनी प्यारी रुमैसा का चैनल रुमैसा 143। रुमैसा की प्यारी बातें, रुमैसा की बातों से खुशबू आए आज सूप की। माशाल्लाह मैं सूप बनाने लगी हूँ, आपको सूप हॉट एंड सोर सूप बना के मैं दिखाती हूँ। कि मैंने फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसकी बना ली स्टॉक, चिकन स्टॉक, चिकन डाला, लहसुन अदरक पेस्ट डाला, तो इसकी मैंने बना ली स्टॉक। अब मैं श्रेडेड करूँगी चिकन को। और सेकेंडली मैंने कैबेज ली, थोड़ा सा प्याज लिया और कैरेट, वो अभी मैंने श्रेडेड करके दिखाती हूँ, ठीक है। कैबेज, कैरेट एंड ऑनियन थोड़े थोड़े से, ठीक है। ये मैंने डाल के ना, अब ये यखनी में डाल के, तो ये मैं इनको गला लूँगी। और ये देखें, अब सूप को ना फुल मैंने ना गला लिया। गाजर, चिकन और बंद गोभी, ये इनको बॉयले आ रहे हैं, गल गया फुल। अब इसमें मैं ना आहिस्ता आहिस्ता ना एग डालूंगी। ये देखिए, ये देखिए, अब ये एग इसमें आहिस्ता आहिस्ता, ये मज़ेदार एग बीच में रेडी, ठीक है। ये हमारे सूप में हमने एग डाल लिया। अब इसको 2-4 मिनट उबाले आने दूंगी, ठीक है। तो फिर इसमें मैं ना कॉर्न स्टार्च डाल के ना कॉर्न फ्लोर जो है वो डाल के, तो फिर मैं अच्छे से चम्मच चलाऊंगी और मेरा सूप रेडी हो जाएगा। ये देखें, ये सूप डिलीशियस, बड़ा मज़े का लग रहा है। ये देखें, अब मैं आहिस्ता इसमें ना कॉर्न फ्लोर डाल रही हूँ और इसको गाढ़ा कर लूँगी। डालते जाओ, डालते जाओ। ये देखिए, डालो डालो, सारा डाल दो आहिस्ता। ये देखिए, अब मैं देखूँगी जितना मुझे गाढ़ा चाहिए होगा, अगर इतने में मुनासिब लगेगा ठीक है, वरना फिर मैं थोड़ा और डालूँगी। ये देखिए, ये हमारा सूप रेडी हो गया बेहतरीन। अब इसको 2-4 मिनट के लिए पकाएं, पका के तो नीचे सर्विंग कर लें। ये लीजिए, ये फाइनल लुक आ गई मेरे सूप की। ये देखें, माशाल्लाह, वेरी वेरी नाइस एंड टेस्टी। अभी आप टेस्ट करेंगे तो आपको फील होगा कि कितना मज़े का है, ठीक है। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, मैं सब अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।